हमारी बॉडी इस तरह बनी है कि इसके लिए कुछ भी ज्यादा या बहुत कम अच्छा नहीं होता, यानी हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। जहाँ हीमोग्लोबिन कम होने पर थकान, कमजोरी, अनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक वहीं इसका बढ़ना भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन करना बेहद जरूरी है। बता दें, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में मौजूद प्रोटीन है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है। जब इसका लेवल शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो खून गाढ़ा होने लगता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, जो कई प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है। मर्दों के लिए 16.6 ग्राम पर डीएल से ज्यादा और औरतों के लिए 15 ग्राम पर डीएल से ज्यादा हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हाई हीमोग्लोबिन होने के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे बहुत ऊंचाई पर रहना, लंबे टाइम तक स्मोकिंग करना, डिहाइड्रेशन और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वगैरह, जो ऑक्सीजन को सीमित करती हैं। वहीं बता दें, हीमोग्लोबिन बढ़ने से ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। साथ ही इससे खून में चिपचिपाहट बढ़ सकती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हीमोग्लोबिन ज्यादा होने से थकान, चक्कर की प्रॉब्लम भी आ सकती है और ब्लड सर्कुलेशन खराब हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।